बेअदबी के मसलों चलान करता है, आपकी मशीनरी वरत के लोगों को गुमराह भी किया जा रहा। हूँ झूठे चलान पेश करन तो बाद एक गुमराह कौन प्रचार चलाता। मैं वो बाकी गल्लां ते आउण तो पहला मैं ये क्लीयर कर दिया, स्पष्ट कर दिया, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन पैदा कर देंगे इन्ना वड्डा प्रचार माध्यम में चलाते हैं। मैं ये क्लीयर कर दिया कि ये वक्रे केस है, जिहड़ियां जिहड़े इंसीडेंट्स है ये तीन वक्रे इंसीडेंट है। सब तो दुखदाई घटना, मंदभागी घटना जी की मैं पहला भी कहा, जिन्ना चिर जिंदगी रहूगी उन्ना चिर दुख रहूगा कि बेअदबी दी घटनावां 2015 च होईआं ते साडी सरकार दौरान होईआं, इस गल का हमेशा दुख रहूगा। इस गल का भी नाल दुख रहूगा कि उस दिन तो बाद इहदे ते लगातार सियासत ही कीती गई पार्टियां ने। हुण बेअदबी दी घटनावां जिहड़ियां है उहदे च भी मैं लोकां नूं दस दिया कि तीन FIR दर्ज होईआं। एक गुरु ग्रंथ साहब महाराज की चोरी हुई जितों बुरज जवाहर सिंह वाले तो पोस्टर लाए गए बरगाड़ी ते मुड़ के गुरु साहब के अंग खिलारे गए। यह तीन FIR बेअदबी दे केस टोटल जिहड़ा सैक्रिलेज बेअदबी का केस है उहदे च तीन FIR है। इन्हां तिना FIR दे विच सिट ने आपदी इन्वेस्टिगेशन कंकलूड करती, उहदी फाइनल रिपोर्ट जिहड़ी है वह भी मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों जारी की गई आ। मैं थोनों दिखा दिया अखबार की खबर भी, सिट रिपोर्ट ऑन बरगाड़ी सैक्रिलेज ब्लेम्स डेरा सच्चा सौदा, CM भगवंत मान हैंड्स ओवर रिपोर्ट टू सिख लीडर्स। यह बेअदबी के तिने केसा की जी इन्वेस्टिगेशन कंकलूड हुई, CM ने रिपोर्ट जारी की, दोषी नामजद किए गए, चलान पेश हो गया, ट्रायल चल पिया। ते ए कहिंदे आ कि यह बेअदबी दे केसां च। मैं एक होर दस दिया, अज मैनूं पता लगी है कुछ पत्रकारों वालों कि जिहड़ा बेअदबी दे केसां दा ट्रायल है वह तो इत्थों अज कोर्ट ने शिफ्ट करके चंडीगढ़ कोर्ट च भेजता, तो तुहाडा तां चलान ही फरीदकोट दाखिल होया। सो यह है बेअदबी दे केसिस। इन्हां केसां च जिहड़ी रिपोर्ट पेश हुई, चलान पेश होया, उहदे च श्रोमणी अकाली दल या श्रोमणी अकाली दल दे किसी भी लीडर या वर्कर का दूर दूर तक का यह संबंध स्थापित नहीं कर सके, किसी का नाम नहीं उहदे विच शामिल कर सके। बेअदबी दे केसां की जिहड़ी चलान पेश हुई है। दूसरा केस आया बैबल कलां जिथे दो सिंह शहीद होए, दुखदाई घटना हुई उथे, उहदा भी एक चलान पेश होया, कुंवर विजय प्रताप ने पेश किया, ते कोर्ट दे विच ओह भी इत्थे फरीदकोट कोर्ट च, उहदे विच भी उस चलान च किसी भी अकाली दल दे वर्कर या लीडर का दूर दूर तक यह संबंध स्थापित नहीं कर सके। उस वेले दी सरकार दा कोई उहदे च रोल नहीं स्थापित कर सके। फिर आया तीजा केस कोटकपूरे फायरिंग, जिथे कोटकपूरे धरनाकारियां च ते पुलिस दे विच उस वेले झड़प हुई। SDM जिन्हें सिट कोले बयान दिते कि उस वेले मैं मौके ते एज मजिस्ट्रेट मौजूद सी, मौके दे हालातां नूं देख के मैं पुलिस नूं पहला लाठीचार्ज का मुड़ के पानी दिया बछाड़ा ना, मुड़ के फायरिंग का मैं ऑर्डर दिता, उन्होंने आग्या दिती। तो SDM अज भी आपके बयान से हर सिट च हर कोर्ट च उत्थे कायम है, वह कहिंदा उत्थे तां हालात यह बन गए सी ते मैं टैलीफोन करके किहनूं पुछ लैणा सी मैं की करा, मैं मौके का मजिस्ट्रेट सी, मैं दिते आ हुक्म। उहदा उस इंसीडेंट च 2015 का इंसीडेंट है, 2018 दे विच अजीत सिंह ना दा बरनाले दा साडा वीर जी दे पट च गोली वजी सी, उहनू 2018 च सरकार कांग्रेस दी सरकार ने बुला के FIR दर्ज कराई, ते FIR दे विच उहदे बयान है कि मैं अज तो पहला किसी पुलिस थाने या किसी पुलिस वाले कोले FIR दर्ज कराउण नहीं गया। 3 साल बाद FIR दर्ज हुंदी है। उस FIR दे विच
बादल साहब उस वेले दे मुख्यमंत्री ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब उस वेले दे होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल नूं नामजद कर दिंदे। सो पहला तो मैं इह क्लीयर करना चाहुंदा सी कि इह तीन वक्खरे केस है, इंसीडेंट वक्खरे है। बेअदबी दे केसां च तिन्ने FIR च किसे दा नां नहीं, बैबल कलां दे केस च किसे दा नां नहीं। इह कोटकपूरे दे विच पाउण वास्ते फिर वेखो ताणा बाणा किड्डा बुणिया इन्हां ने। 7000 पेज का एक चलान तैयार किया इन्होंने। मैं कल ही किसी बड़े उगे वकील साहब नाल गल कर रहा, मैं कहा 307 का केस है तो किन्ने सफ़ियां दे आम तौर पर चलान आउंदे, कहिंदा जी 100 तो घट घट ही होंदे। बेअदबी दे केस तिन्ने FIR दे चलान आए, 500 पेज का चलान है। बैबल कलां का चलान आया 450 सफे का चलान है। 7000 पेज का ताणा बाणा वेखो बुलिया। तो इदू भी अगे वेखो, 6 फरवरी SIT वाले इश्तहार देंदे है कि असी इस केस की इनवैसटीगेशन करनी चाहते हैं, असी लगे हैं, किसी सिरे नहीं लग रही, तो जे किसी को बारे कोई जानकारी हो सू 10 तरीक तो 14 तरीक साढ़े नाल संपर्क करके सानू उहदी जानकारी दे। 10 ते 14 लोगों ने संपर्क किया, जिन्हों कोई जानकारी सी उन्हें जानकारी दिती। हुण तुसीं इह वेखो, उदू बाद 8 दिनों बाद 14 तरीक तक कुछ नहीं सी इन्हां कोले, 14 तरीक तो 8 दिनों बाद 7000 पेज का चलान भी तैयार हो गया। किनू मूर्ख बना रहे, 1000 पेज हर रोज़ लिख लेंदे सी, एविडेंस भी इकट्ठा किया, उन्हूं माइंड भी अपलाई किया, उहदे च कुछ इह भी लाया होना भी इहदे च सच की है झूठ की है। 7000 पेज हफ्ते च तैयार करके 1000 पेज रोज लिखता इन्होंने। मैं तो LK यादव तो नाल अग्रवाल तो खराना है, मैं तो उन्होंने कहना इन्हों तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम मिलना चाहिए, 1000 पेज जो बंदे रोज लिखते हैं। सो इस तरह के हालात जोड़े है केवल तो केवल पंजाब के हालातों तो ध्यान हटाने वास्ते बाल साहब से सुखबीर जी ने नामजद किया जाता। हुण वेखो तुसीं इहदे च एक चीज़ होर एक पहलू है, फिक्स्ड मैच वेखो किवें चल रहे है सरकार दे विच, ते आपदे आप नूं जिहड़े पंथक कहाउंदे है मोर्चियां ते बैठे है। फिक्स्ड मैच वेखो सरकार वल्लों तुणके मारे जांदे है, ते जिवें आपां उह देखदे हां ना, तुसीं देखण जांदे होंगे स्किट स्कुट ते उह नचदे है, उहो जिहा कम चल रहा कठपुतलियां बिल्कुल। सियासत वेखो किवें हो रही है, ये मैं क्यों कह रहा, सब तो दुखदाई घटना तो साडे भी मेरे भी गोली बज जे ना, तो बेअदबी दे जिहड़ा जे कोई बेअदबी होवे उहदे मुकाबले चो कुछ भी नहीं है। सब तो दुखदाई घटनावां सारी सिख कौम वास्ते बेअदबी दीआं घटनावां, बेअदबी दीआं घटनावां च जिवें मैं पहला जिक्र किया, इनवेस्टिगेशन हुई, चलान आए, दोषी नामजद होया, ट्रायल चल पे, उदों नहीं यह बोले कि सानू इंसाफ मिल गया, उदों इन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलिया, उदों नहीं इन्हां ने कहा कि असीं शुकराना करांगे या मार्च करांगे। क्यों? क्योंकि उहदे च श्रोमणी अकाली दल दे किसे लीडर दा या बादलां दा नां नहीं सी। बैबल कलां दा चलान आया, एंड वेखो वड्डी गल, मोर्चा किस नां ते है, बेअदबी इंसाफ मोर्चा। सो जो बेअदबी का इंसाफ होया उदो इन्हों इंसाफ नहीं मिलिया, क्योंकि इन्हों तो इन्होंने आकावान पोलिटिकली सूट नहीं करता सी। फिर बैबल इंसीडेंट से आ जाओ, दुखदाई बड़ी घटना है, वह दो सिंह शहीद होए, उदा चलान पेश होया, इनवेस्टिगेशन हुई, कुंवर विजय प्रताप ने चलान पेश किया, उदों ने इन्होंने कहा कि सानू इंसाफ मिल गया। क्यों? क्योंकि उहदे च भी किसी अकाली का या बादल साहब का नाम नहीं सी। इन्हों इंसाफ उदों मिलिया जदों कोटकपुरे के एक फायरिंग के केस जिहदे च एक साडे भरा दे पट च गोली वजी है, उहदे केस च जदों बाल साहब नूं ते सुखबीर जी नूं नामजद किया, इन्हों इंसाफ उदों मिलिया। यह समझण दी लोड़ है, इन्हां दे इंसाफ दी परिभाषा च ते सिख कौम ते संगत दी इंसाफ दी परिभाषा च बड़ा अंतर है। इन्हां दी इंसाफ दी परिभाषा है कि बादलों का ना आवे, श्रोमणी अकाली दल का ना आवे। संगत की इंसाफ की परिभाषा है कि दोषी असली फड़े जान, ट्रायल होवे ते उन्हां नूं सजावां दित्तियां जान, जिवें मल के केस च होया। ये अक्तूबर
दिया दुखदाई घटनावां है जिहड़ियां प्रगाड़ी हुई है। उस तो बाद मलके बेअदबी हुई श्रोमणी अकाली दल की सरकार च नवंबर च सिट बनाई श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने सरकार कोले उहदी इनवैसटीगेशन रही पंजाब पुलिस कोले इनवैसटीगेशन कंकलूड कीती मुलजम दोषी नामजद किते ट्रायल कराए ते सजावां भी हो गईआं पिछले साल क्योंकि उन्हां च सियासत नहीं हुई। ये अज तक क्यों उलझा होया कौम इंसाफ तो क्यों वांझी है क्योंकि इन्हां मुद्दियां ते इन्हां केसां दे विच केवल ते केवल सियासत हुई है। जदों तां अकाली दल दीआं सरकारां सी उदों तां पंजाब दी इनवैसटीगेशन नहीं मंजूर सी उदों सीबीआई चंगी सी जदों सरकार आपदी बन गई उदों सीबीआई माड़ी हो गई सीबीआई तो इनवैसटीगेशन लिआओ। सो मैं यह गल करनी चाहुंदा जिहड़े मैं कल वेख रहा सी तुहाडे इन्हां ते भी मोर्चे ते बैठे कुछ वीर अज मैं कहना तां नहीं चाहुंदा सी क्योंकि उहदे पिता जी का बड़ा सत्कार है जिने इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी के विरुद्ध लड़दिया जी की जान गई कृष्ण भगवान सिंह मैं उहदे पुत्र की देख रहा सी वीडियो सुखराज सिंह बड़ा बोल रहा सी कहिंदा जी आ तां पब्लिक डोमेन च हुण ना आ गए दोषियां दे ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖਲਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। 7 ਸਾਲ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਹੰਡਾਲੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਸਿੱਟੋ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੂਠੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣੋਂ ਡਰਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਿਕਿਓਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬਥੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਤਰੇਹਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਧਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਉਹ ਦਵੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਾਵਰ ਨਾਮੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਮ ਓ ਯੂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਮ ਓ ਯੂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਦਿਲ ਸੇ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਣ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ।
कोई नहीं जे समा उस हद तक आया फिर वो भी दस देंगे की कुछ नहीं तो लोग प्रेशर पैन लग गया बोली बदल गई तुसी भी पहला इंटरव्यू करके आए हो पहले दिन तो सारे कह रहे सानू इंसाफ मिल गया असी जी हुण समागम रखता दो नू चार नू भोग पावांगे ते पंज नू असी अकाल तख्त साहब नू मार्च करांगे दित्ता सी कि नहीं दित्ता सी प्रोग्राम शुकराने दा ते एक मिनट यार एक मिनट फिर जे नहीं मिलिया इंसाफ ते शुकराना कदा करन लगे सी ते जदों हुण लोक इहदे ते सवाल करन लग गए हुण बैक ट्रैक हो रहे सर मैनू तां उही मैं कह रहा ना जी मैं यही ताई एक स्पष्ट किया है कि बेअदबी मसले एक वखरा इशू है उन्हां च किसे दा नां नहीं है उहदा तां ट्रायल भी चंडीगढ़ है यह तो कोटकपूरा फायरिंग कोटकपूरा इंसीडेंट जिदे च पट च एक अजीत सिंह दे गोली लगी है उहदे च चलान दिता है वह इत्थे हैगा वह फेस कर लांगे असीं धन्नवाद जी थोड़ा सारे थैंक यू।